नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ और मैं हूँ रूहानी। आपको जानकर ये काफ़ी खुशी होगी कि जम्मू के बहुत से बच्चों ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है और एक अच्छे रैंक के साथ ये एग्ज़ाम क्लियर करते हुए एक अच्छा बेस्ट एंड बेटर फ्यूचर वो साथ में लेकर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी वो बच्चे बात कर रहे हैं, क्योंकि चेंज जो है वो युवाओं से आएगा और युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से हिंदुस्तान में युवाओं की आबादी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा तारीफ़ों के पुल जो है वो युवाओं पर बांधते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि देश जो है युवाओं पर निर्भर करता है। लेकिन यूपीएससी की मैं बात करूँ, इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम टू क्रैक और बहुत सालों की मेहनत लगती है। कुछ बच्चे जो है वो 10th क्लास से ही शुरुआत कर देते हैं स्टडीज़ करने की, वहाँ से एक बेस अच्छा बनाते हैं जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्योंकि फैमिली एटमॉस्फेयर इस तरह का होता है कि उनको पैम्पर किया जाता है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बच्चे जो है वो काफ़ी अटेम्प्ट करते हैं लेकिन पेशेंस रखते हुए एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं। कोचिंग्स कई बच्चे लेते हैं लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक अच्छा फ्यूचर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाना ही बहुत बड़ी बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप ब्यूरोक्रेसी में जाके पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं और जब पॉलिसी फॉर्मेशन करेंगे तो सोसाइटी में चेंज आप ही के द्वारा आएगा। सनी गुप्ता जी ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है, आज हमारे साथ मौजूद है, एक बहुत खुशी की बात है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात है कि इंजीनियरिंग के फील्ड से सनी जी केएस की तरफ उनका रुख हुआ, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्लियर किया, कश्मीर की पढ़ाई की, जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में नॉलेज रखते हुए अचानक जो शिफ्ट था, जो ड्रीम्स थी वो बढ़ गए और कहा अगर मैं अपने स्टेट के लिए कुछ कर सकता हूँ तो अपने देश के लिए क्यों नहीं। तो ये बात करते हुए जानते हैं कि सफ़र कैसा रहा और कितनी मुश्किलात का सामना इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। संजय, सबसे पहले मैंने कहा कि इंजीनियरिंग के फील्ड से आप आए, तो वहाँ से अचानक यहाँ पर शिफ्ट कैसे हो गया केएस की तरफ? जी, मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ जो रुझान था वो जब मैं HCL में जॉब कर रहा था तब आया था। उसके पहले मेरे को सिविल सर्विसेज की कोई नॉलेज भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैंने करना था। 2013 में जब मैं HCL में काम कर रहा था तब कुछ दोस्त मेरे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ ही मैंने पढ़ना शुरू किया और तब मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा। बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगा, नॉलेज हुई, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो देश में क्या चल रहा है, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, तो मुझे लगा कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है जिसमें हमें एक्सपोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, नेशन बिल्डिंग में हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो फिर 2013 में आई थिंक मैंने डिसाइड किया कि यही एक जॉब है। हाँ, 2013 में मैंने जॉब छोड़ दिया था जो मेरा प्राइवेट सेक्टर HCL टेक्नोलॉजीज़ में था, लेकिन फिर उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको करूँगा, मतलब एटलीस्ट पूरा अपना अटेम्प्ट करूँगा, उसके बाद मैं अपना कोई ऑल्टरनेटिव करियर देखूँगा। बात करूँ तो यहाँ पर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है और बात की जाए काफ़ी यहाँ पर मसला भी अभी पीछे बना था कि यहाँ पर कश्मीर की सीटें ज़्यादा आती हैं, डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के बच्चों से होता है, तो अब जम्मू से यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कभी आपको नहीं जहन में आया कि अगर इस तरह से कुछ हो गया तो मेरा फ्यूचर स्पॉइल होगा बिकॉज आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ दिस एग्जामिनेशन? जी, ऐसा तो कभी दिमाग में आया नहीं मेरा, कि मुझे लगता है कि जो सिस्टम है काफ़ी फेयर है, ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन वाला इशू नहीं है। और मैं तैयारी जो थी मेरी यूपीएससी की तरफ ही थी, सिविल सर्विसेज की तरफ। केएस का एग्ज़ाम मैंने 2014 में फॉर्म भरा था बट 4 साल लग गए, तो मेरी जो तैयारी थी मैंने अभी तक 4 अटैम्प्ट यूपीएससी की दे चुके हैं और केएस का मैंने एक ही अटैम्प्ट दिया है, तो मेरा जो फोकस था वो यूपीएससी की तरफ था और केएस जो यूपीएससी में मैंने पढ़ा था वो केएस में काम आ गया और वो 1st अटैम्प्ट में ही निकल गया। लेकिन कितनी मुश्किलातों का सामना आपने किया, क्योंकि आपने कहा कि केएस में मैंने ऐसे किया लेकिन आईएएस एग्ज़ाम की तरफ मैंने जो रुझान अपना दिखाया उसमें काफ़ी वक्त लगा, तो जो इतने साल थे उसमें कितनी मुश्किल आई और कितनी पेशेंस जो थी आपने अपने आप में? जी, हाई एंड लोज आते ही हैं इस एग्ज़ाम में, और जब आप इनफैक्ट और ये ज़्यादा आते हैं अगर आपका एग्ज़ाम ना निकले। 4 साल में मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था, तो यस, जब जब फाइनल रिजल्ट आता था और मेरा लिस्ट में नाम नहीं होता था तो वो था डिप्रेसिंग फेज होता था, बहुत ही लो फेज करते थे। तो लेकिन फिर वही है, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हमें फिर से कलेक्ट करना पड़ता है, फिर से अपनी मोटिवेशन इंक्रीज़ करनी पड़ती है और फिर दोबारा डबल एफर्ट्स लगा के हम इसमें तैयारी करते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर स्पॉइल हो गया बिकॉज हमने एग्ज़ाम ये क्रैक नहीं किया, तो उनको किस तरह से आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ आगे भी है, बढ़ते रहिए? जी देखिए, सिविल सर्विसेज में आने का मतलब होता है कि आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट मैं समझता हूँ कि कोई भी काम हो अगर हम ईमानदारी के साथ करें और मेहनत के साथ करें तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो देश के काम ही आ रहा है। तो सिविल सर्विसेज एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए है कि यहाँ पे डिसेंट सैलरी है, रिस्पेक्ट है, प्लस आप डायरेक्टली गवर्नमेंट में काम कर रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज या यूपीएससी को या केएस को अपना लाइफ का एंड गोल नहीं बनाना चाहिए। इट इज़ जर्नी, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, इट्स अ मीन्स टू अचीव द बिगर थिंग्स दैट आर
हेल्पिंग पीपल, तो आप कोई भी अदर काम करके कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है वो 2 साल तक इनको आपको देना चाहिए पूरा, तो आप कोई काम ना कीजिए। आपने कोई कोचिंग क्लासेस अटेंड की थी इसके लिए? कोचिंग क्लासेस हाँ, वाजिरा में अटेंड की थी और दिल्ली में 2013 में की थी। 10 मंथ्स का कोर्स था, प्लस ऑप्शनल की भी कोचिंग ली थी मैंने, और फिर उसके बाद मैं जम्मू वापस आ गया था, फिर मैंने यहीं से अपनी तैयारी शुरू की थी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, अगर मैं आपसे सवाल करूँ, इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट था या पॉलिटिकल साइंस, किस में आपका ज़्यादा रुझान था? जी मेरा रुझान मेरे हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादा है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे से रिलेटेड पॉलिटी आती है। इकोनॉमिक्स में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ना। सबसे अगर मैं कहूँ डिफ़िकल्ट, जो कहते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं या जीके के होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब मिक्सअप करके आपको एक बिल्कुल एक पेपर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको इन 4 सालों में कौन सा लगा, जिसमें लगा कि नहीं और मेहनत की ज़रूरत है? सबसे डिफ़िकल्ट तो मेरे हिसाब से हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, तो यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है एग्ज़ाम का, कि आपको सिलेबस का कोई एंड नहीं है, एक लिमिटेड सिलेबस नहीं है, इनफाइनाइट सिलेबस है, आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो एज सच कोई सेक्टर जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यह है कि सब कुछ एक साथ पढ़ना पड़ता है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। केएस करते हुए आपने यूपीएस की तरफ जो रुख किया, तो जॉब के साथ साथ कैसे आपने पढ़ाई की? जी मैंने 2013 में ही अपनी जॉब छोड़ दी थी प्राइवेट वाली, और केएस में मेरा 2018 में हुआ था, तो उसके साथ ट्रेनिंग चल रही थी, तो जो मेरा अटेम्प्ट निकला है वो ट्रेनिंग के साथ ही निकला है। तो हम सुबह हमारी क्लासेस होती थी, शाम को हम पढ़ते थे, तो उसके साथ बैलेंस किया, और प्लस 4 साल पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उसका भी एडिड एडवांटेज आता है कि हमने नॉलेज पहले से है, तो इस बार जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट यह है कि कंसिस्टेंटली 5-6 घंटे पढ़ना। इस टाइम पे अगर हम कहें तो सोशल मीडिया का बहुत एक दौर चल रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है। पहले प्रीवियस ईयर्स में होता था कि बुक्स हम सामने रखते थे, काफ़ी जो बुक्स थी वहाँ पर होती थी, हम पढ़ते थे, लेकिन सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल है इस टाइम पर पढ़ने के लिए? जी सोशल मीडिया से नेटवर्किंग अच्छी हो सकती है, लेकिन नेटवर्किंग अच्छी होती है, आपको ऑनलाइन फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप एक ऑनलाइन ग्रुप बना सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और कंटेंट जो है वो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो हमें अलग से किताबें पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो हम पढ़ते हैं, और उसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़ वगैरह, वो हम सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये काफ़ी जीवन की जो रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको कि अगर किताबें वगैरह नहीं मिलती और उनके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और एक स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे करूँगी, हमेशा जब भी कहा जाए केएस की, जब भी कोई प्रिपरेशन करता है तो स्टूडेंट कहते हैं कि हम जो है कांस्टेंट जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरत है इस पूरी फील्ड में आगे आने के लिए, और किस तरह से पढ़ाई की जाए? जी कंसिस्टेंसी ही एक ही चीज़ है जो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी, जो बहुत ही मुश्किल है। आपको रोज़ 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, आप ऐसा नहीं है कि आपको 14 घंटे पढ़ना है, बट 8 घंटे आप अगर एक शेड्यूल रखें रोज़ आपको पढ़ना है, तो सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है, और इसी में बहुत से लोग जो हैं वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है कि फोकस नहीं रह पाता है, कि हम 3-4 दिन पढ़ते हैं फिर पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर हम किसी और चीज़ में डिविएशन आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो कंसिस्टेंसी प्लस सस्टेन्ड मोटिवेशन इज़ द की टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। का सर जब रिजल्ट निकला, तो हाउ वाज योर रिएक्शन जब आपने देखा कि हाँ मेरा भी एक रैंक आया और आई क्लियर्ड दैट एग्जाम, हाउ वाज योर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ योर फैमिली एज वेल? माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी कि मतलब फाइनली, मतलब 5th अटैम्प्ट, उसके पहले नहीं हुआ कभी यूपीएससी में, तो एकदम से रैंक आ गया, तो दे वेरी हैप्पी। सालों की मेहनत, यस यस, वेरी हैप्पी। तो फैमिली का कितना सहयोग रहा इतने सालों में, किस तरह से मोटिवेट किया उन्होंने, क्योंकि आपने कहा जो बैड फेज था आपने भी देखा डिप्रेशन में, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? जी डिप्रेसिंग में आप लो फील करते हो, तो वो तो जब आपका क्लियर नहीं होता है तो यू फील लो, लेकिन फिर आपको ये भी सामने होता है कि 2 महीने के बाद नेक्स्ट एग्जाम है, तो फिर आप उस फेज में ज़्यादा रहते नहीं हो, और फिर देर इज़ अनदर ऑप्शन कि आप दोबारा कीजिए, क्योंकि और फैमिली जो है मेरा 4 बार नहीं निकला था, तो फैमिली ने कभी नहीं मुझे कहा कि स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, या तुमसे नहीं हो पा रहा है तो ट्राई समथिंग एल्स, टाइम निकल रहा है, लाइफ निकल रही है, यूथ एज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो निकल रही है, तो फैमिली वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने हमेशा बोला कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, एंड दे बिलीव्ड इन मी मोर देन आई बिलीव इन माई सेल्फ, दे बिलीव्ड इन मी, तो उनका जो सपोर्ट, ये सपोर्ट था प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी तरफ से जो था वो रहा, तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्पफुल। मैं आपसे करूँगी, आप भी कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखेंगे, शाह फैजल IAS टॉपर रहे कश्मीर से, तो जिस तरह से उनको फॉलो कर रही है कश्मीर की जनता, अब वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो कितना एक ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि जब हम भी कभी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता था कि ब्यूरोक्रेट्स आर मोर कैपेबल देन पॉलिटिशियंस, बिकॉज वो पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं, तो कितना एक ज़रूरी है वहाँ पर इस टाइम पे चेंज लाना सोसाइटी में ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा?
क्या समझाना चाहिए पॉलिटिशियंस को कि ये सही नहीं है और ये गलत नहीं है? जी, मेरे हिसाब से सही गलत कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से आप नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देना चाहते हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो यस, ब्यूरोक्रेसी इज़ वन ऑप्शन एंड पॉलिटिक्स इज़ आल्सो अनदर ऑप्शन, बट मुझे आई प्रेफर ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज़ फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स कि आप लोगों के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हो। पॉलिटिशियंस में यू कैन हेल्प पीपल इफ़ यू कम टू पावर, एंड यू कम टू पावर फॉर ओनली 5 ईयर्स, तो उसमें वो भी एक तरीका है। तो इट्स पर्सनल चॉइस, मैं शाह फैजल साहब से वो नहीं हूँ कि उन्होंने क्यों छोड़ा, बट हाँ कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी थी उन्होंने जो कि एक गलत प्रेसिडेंट रख सकती हैं कश्मीरी यूथ के लिए, वो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि यूथ फॉलोइंग बहुत है उनकी, फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। तो अदरवाइज़ आई थिंक ही हैज़ राइट टू चॉइस। तो अगर वो उनको लगता है कि मैं पब्लिक सर्विस जो है पॉलिटिक्स में आके ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, तो ही हैज़ एवरी राइट टू डू इट। यूपीएससी क्लियर कर लिया है तो ये बहुत एक अच्छी बात है, आपको गर्व भी महसूस होगा, मेहनत आपकी रंग लाई। लेकिन आप सोसाइटी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? जी, सोसाइटी में आई वुड लाइक टू इंस्पायर पीपल, आई वुड लाइक टू बी देयर रोल मॉडल एंड इन प्रमोटिंग अ करप्शन फ्री गवर्नेंस, क्योंकि आज की डेट में खासकर डिजिटल मीडिया की डिजिटाइजेशन के युग में मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हमें अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स को भी और ज़्यादा दुरुस्त करना चाहिए जिससे हम करप्शन फ्री गवर्नेंस जो है वो प्रमोट कर सकें। और जो मेरा पर्सनल एफर्ट रहेगा जिस तरफ, वो यही रहेगा कि मैं लोगों से एक्सेसिबल हूँ, ब्यूरोक्रेसी जो है एक्सेसिबल रहनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव रहनी चाहिए कि लोग आपके पास आएँ अपनी समस्याएँ लेके। एक सवाल आप ही के जवाब से निकला है, लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कम्युनिकेट सही तरह से नहीं कर पाते, जनता तक नहीं पहुँच पाते, उसके लिए क्या काम करेंगे? मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स का कैसे स्थापित करेंगे? जी, कनेक्शन जो है मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमेशा एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, डेट इज़ कम्पैशनेट ब्यूरोक्रेसी। तो आपको लोगों के प्रति सिंपैथेटिक होना पड़ेगा, एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस पोजीशन पे बैठे हैं, उसको लेके आपको इतना उनके साथ एक्सेसिबल रहना पड़ेगा कि लोग डायरेक्टली आके आपको कॉल कर सकें, लोग आपके ईमेल कर सकें, आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकें कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और आप रिस्पॉन्सिव भी होने चाहिए कि आपने प्रॉब्लम फेस की और आप उनको बता दें कि आपकी ये समस्या है और इतने दिनों में हम इसको करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक कांस्टेंट इंटरेक्शन रहे पब्लिक के बीच में और उनको लगे कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो उनकी बात सुन रही है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो हम इम्प्लीमेंट करें ब्यूरोक्रेट्स, और जो डिले है उनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल पे वो कम से कम होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि बुरा वक्त आता है लेकिन कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, तो ये निखर गए और इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी इन्होंने यूपीएससी क्लियर कर दिया। पहले केएस क्लियर किया, फिर यूपीएससी, उससे पहले इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो एक बहुत बड़ी बात है, फैमिली के लिए भी प्राउड मोमेंट है और जम्मू के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जम्मू के युवाओं में इस कदर जो है एक रुझान है पढ़ाई की तरफ, इस कदर एक रुझान है राष्ट्र को अपने समर्पित करना चाहते अपना जीवन, तो एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर के हालात बने हो, तो इस तरह से अगर बच्चे पढ़ाई की ओर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत बड़ी बात यह भी है कि आप फोकस्ड रहिए अपनी स्टडी को लेकर, पेशेंस रखिए और डेडिकेटेड रहिए, और अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को हमेशा से एक ऐसा एक नज़रिया दीजिए कि वो आपका जो कहीं ना कहीं आपको देखें कि हमारा बच्चा जो हमारा नाम रोशन कर। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।